फ्रेंड्स, आप सभी का पीयूष होम्योपैथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपको बताएंगे इंसोमिनिया, नींद का नया आना यानी कि अनिद्रा, और इसकी होम्योपैथिक दवाई, और इसका क्या कारण है, और क्या सिम्टम होते हैं जब किसी को इंसोमिनिया की शिकायत होने लगे, और इसको कैसे दूर किया जाए। वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक करें। आप सब जानते ही हैं, एक स्वस्थ शरीर के लिए एक अच्छी नींद आना बहुत जरूरी है। अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आपको कई तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। नींद का ठीक से न आना या नींद ही ना आना, इसे अनिद्रा इंसोमिनिया कहते हैं। जिन्हें इंसोमिनिया की प्रॉब्लम होती है तो वे अक्सर या बहुत समय तक लेटे रहने के बावजूद नींद नहीं आती, या सो जाने के कुछ समय बाद उनकी आँख खुल जाती है। हर तीसरे व्यक्ति को इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति के लिए एक स्वस्थ नींद अलग अलग घंटे होती है। कह सकते हैं एक स्वस्थ नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। 7.5 घंटे से 8 घंटे की नॉर्मल नींद आनी चाहिए, वह स्वस्थ नींद मानी जाती है। इंसोमिनिया के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला कारण है वह फिजिकल केसेस यानी कि शारीरिक कारण। पहला, जैसे कि दमा यानी कि अस्थमा की वजह से भी कभी कभी किसी को इंसोमिनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। खांसी, दर्द, कॉन्स्टिपेशन, भूख न लगना, भूखे पेट रहना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, बहुत ज़्यादा शराब पीना यानी कि ड्रिंक करना, चाय का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने की वजह से किसी किसी को इंसोमिनिया हो जाता है। दूसरा कारण है मेंटल केसेस, मानसिक कारण, डिप्रेशन, ज़्यादा क्रोध करना, दूसरे से घृणा करना, ज़्यादा सोचना, किसी बारे में सोचता रहता है, और किसी के खो जाने का डर, इस तरह से उसको इंसोमिनिया की शिकायत हो सकती है। इंसोमिनिया अनिद्रा का सबसे बड़ा कारण है टेंशन। अनिद्रा से पीड़ित सभी लोगों में से लगभग आधे लोग जो कि चिंता टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इस कारण उन्हें इंसोमिनिया की शिकायत हो जाती है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से इंसोमिनिया की शिकायत हो जाती है। ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने से, कोई भी नशीला पदार्थ का अधिक सेवन करने से, कॉफ़ी का अधिक इस्तेमाल करने से, हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों के सेवन से भी अनिद्रा का शिकार हो जाता है व्यक्ति। ये कारण हो सकते हैं इंसोमिनिया के। अब बताते हैं इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं किसी को अगर इंसोमिनिया हो जाए। अनिद्रा होने लगती है, मानसिक तनाव आ जाता है जिसके कारण थकान होने लगती है। अनिद्रा ग्रस्त रोगी का मन और शरीर दोनों थके थके हो जाते हैं। रोगी चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, उसकी फिजिकल और मेंटल पावर खत्म हो जाती है। नींद न आने से रोगी को व्याकुलता और बेचैनी होने लगती है। भूख नहीं लगती है, उसकी शारीरिक शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। स्टूडेंट्स पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध करने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इस तरह के सिम्टम हो जाते हैं अगर किसी को इंसोमिनिया की शिकायत हो जाए तो। बताते हैं पहली होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, इंसोमिनिया की शिकायत को बहुत दूर कर देगी। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये है पैसी फ्लोरा क्यू, मजा टिंचर आता है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मजा टिंचर है पैसी फ्लोरा क्यू। इतना ज़्यादा प्रयोग किया जाता है अगर किसी को इंसोमिनिया की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया हो, गुस्सा आने लगा हो, पागलों जैसा व्यवहार करने लगा हो, तो उसे बहुत जल्द दूर कर देती है ये पैसी फ्लोरा क्यू। ये है चिल्ड्रन और ओल्ड एज तक के व्यक्तियों को दी जा सकती है। यह बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है, आपके माइंड को भी फ्रेश करती है। जब बच्चे क्रोध करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, नींद नहीं आती है, उसे बहुत जल्द ठीक कर देता है। और ये व्यक्ति जो बहुत एज के कारण उन्हें नींद नहीं आती है, कुछ ना कुछ उनके माइंड में चलते रहता है, सोचते रहते हैं, जिस कारण उन्हें नींद नहीं आती है, तो उसे भी बहुत दूर कर देता है। बहुत इफेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन है ये पैसी फ्लोरा क्यू। बच्चे को इसको 10 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आधे कप ताजे पानी में डालकर देनी है। 20 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को 30-30 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आधे कप ताजे पानी में डालकर देनी है। बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन है, हर तरह के इंसोमिनिया को दूर कर देता है। और अगली मेडिसिन है एवेनसेटाइबा क्यू भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन है, यह भी क्यू लेना है और बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यह इंसोमिनिया की शिकायत को बहुत जल्द दूर कर देता है। अगर इंसोमिनिया की शिकायत आपकी मानसिक रूप से हुई हो तो उसे बहुत जल्द दूर कर देगा। वे व्यक्ति जो बस सोचते जाते हैं, तनाव लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, तो उसे यह बहुत जल्द दूर कर देता है। खासकर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा पढ़ाई में आप सोचते रहते हैं कि कहीं फेल होने का डर रहता है, जिस कारण इंसोमिनिया की शिकायत हो जाती है, तो उसे बहुत जल्द दूर कर देता है। वे व्यक्ति जो चिड़चिड़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, वीकनेस आ जाती है,
कुछ भी याद नहीं रख पाते हैं, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसको बहुत जल्द दूर कर देता है। यह शारीरिक रूप से भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। यह मेडिसिन नर्वस सिस्टम पर विशेष प्रभाव करती है। वे व्यक्ति जो अफीम यानी कि कोई नशीला पदार्थ खाने की वजह से डिप्रेशन अनिद्रा के शिकार हो गए हैं, तो उसे बहुत जल्द दूर कर देता है अवेयरनेस टाइप क्यू। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। इसकी 20 बूंद सुबह दोपहर शाम 20-20 बूंद दिन में 3 बार देनी है, आधे कप ताजे पानी में डालकर। बहुत जल्द आपको इंसुलिने की शिकायत से दूर कर देता है और आपका शरीर स्वस्थ कर देता है। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है नक्स बोमिका 30। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी डाइल्यूशन है। यह डाइल्यूशन आता है, बहुत जल्द आपको इंसुलिने की शिकायत से दूर कर देता है। वे व्यक्ति जो दिन रात जाग कर काम करते रहते हैं, उन्हें अगर इंसोमिनिया की शिकायत हो जाती है तो बहुत जल्द दूर कर देता है। रात भर जागने की वजह से वे डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, मेंटल फिजिकल और दोनों तरह की समस्या हो जाती है, तो उसे बहुत जल्द दूर कर देती है। इसके व्यक्ति को आधी रात से पहले नींद नहीं आती, अगर आधी रात के बाद नींद भी आ गई तो वह सुबह के पहले यानी कि 3 बजे से पहले उसकी नींद टूट जाती है। अगर ऐसे पेशेंट को नक्स वोमिका 30 का प्रयोग कराएंगे तो उसे मानसिक रूप से आराम मिलेगा और वह डिप्रेशन और इंसोमिनिया की शिकायत से बच जाएगा। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी डाइल्यूशन है। वे व्यक्ति जो ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, उन्हें अनिद्रा होने लगती है, उसे भी बहुत जल्द दूर करती है नक्स वोमिका 30। यह छोटी उम्र से और बड़ी एज तक के व्यक्ति को दी जा सकती है। अगली होम्योपैथी मेडिसिन है कोफिया 200। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी डाइल्यूशन है। कोफिया 200 उस समय दी जाती है जब व्यक्ति को किसी चीज़ की खुशी हो, अचानक उसकी लॉटरी लग गई हो, वह बहुत सारा पैसा जीत गया हो, जिस खुशी के कारण उसे नींद नहीं आती है, पूरी रात जागता रहता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, अधिक उत्तेजना होने के कारण उसको नींद नहीं आती है, उसके विचार यानी कि उसके विचार भीड़ लग जाती है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, तो अगर उस समय कोफिया 200 उस व्यक्ति को दे दें तो उसे नींद आ जाएगी और वह इस तरह की समस्या से छुटकारा पा लेगा। इंसोमिनिया की दिक्कत बहुत जल्द दूर हो जाती है उसकी बिना किसी साइड इफेक्ट के। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी डाइल्यूशन है ये कोफिया 200। इसकी 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार जीभ पर डालनी है डायरेक्ट। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी डाइल्यूशन है, हर तरह की डिप्रेशन को ठीक करता है। ये सभी मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर आप अपने सिम्टम के हिसाब से कोई सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे तो आपको यह डिप्रेशन अनिद्रा और इंसोमिनिया की शिकायत से बहुत जल्द छुटकारा दिला देती हैं। सभी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन नो साइड इफेक्ट और बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली होम्योपैथी मेडिसिन है। ये होम्योपैथी मेडिसिन आपको हर होम्योपैथी मेडिकल पर उपलब्ध है। आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको नींद आने लगेगी और आप इंसोमिनिया की दिक्कत से बच जाएंगे और आप अनिद्रा जैसी समस्या से छुटकारा पा लेते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।